शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब और चला नहीं जाता। बस बच्चे, थोड़ी सी हिम्मत और कर ले, दो कदम और। देख, मेरी कमंदर सामने है। ओ माँ, अरे बेटा, सुनना बेटा, जीवा, जीवा बेटे, जीवा, जीवा, माँ, मैंने जिंदगी भर तेरी भक्ति की, जन्म भर तेरे चरणों में फूल बिछाए, और मुझको उसका ये इनाम मिला कि मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी ये हालत बना दी गई। देवी, मेरे बेटे पर अन्याय किया गया और तू देखती रह गई। माँ, अगर मेरा बेटा मर गया तो तेरी इस धरती पर मेरे बेटे की मौत नहीं, सच्चाई और न्याय की मौत होगी। जीवा बेटा, माँ, अगर तूने मेरे घर का दिया बुझा दिया तो संसार की कोई माँ तुझे माँ कहकर नहीं पुकारेगी। देवी के द्वार छोड़कर खुद भगवान के पास चली गई माँ, ऐसा तूने क्यों किया, ऐसा तूने क्यों किया माँ? हे राम, अब देवी देवता भी अन्याय करने लगे। मेरी मां की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी मां की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी देवी। मुझे शक्ति देनी होगी कि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे शक्ति की देवी नहीं, पत्थर की बेजान मूर्ति समझूंगा। इस पवित्र और शक्ति की देवी गंगा की सौगंध, जब तक जीवा अपनी मां के खून का बदला नहीं लेगा, वो भी इस चिता की आग में जलता रहेगा। अपने रक्त से हमारे मेहमानों को मस्त कर दे।
देवी। तू मेरी चंपा नहीं है। इस रोशनी में अंधेरे का क्या काम? छोटे सरकार, कहाँ है मेरी बेटी? मेरी चंपा को मुझे वापस कर दीजिए, मेरी बेटी को मुझे। मुनीम जी, इस अंधेरे को हमारे महल की दीवारों से दूर कर दो। नहीं छोटे सरकार, मेरी बच्ची को मुझे वापस कर दो। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, निकल यहाँ से। मेरी बच्ची, यानी कि हिम्मत कैसे? मेरी बच्ची, निकल जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। आज तो बड़ी चमाचम लग रही है। ले गरम गरम गुलगुले खा ले। अरे तू भी तो खा मेरी गुलगुली। तू खा ले, मैं समझूंगी मैंने खा लिया। अरे तारा, एक बात तो बता, तेरे बाप की उम्र कितनी है? यही कोई 40-50। तब तो खटिया उठने में बड़ी देर लगेगी। पंडित जी, जीवा को इस तरह गांव से निकलवा कर तुमने भगवान को नाराज कर दिया। भगवान को मुझसे अधिक कोई नहीं जानता मूर्ख। अगर तेरे दिल में उसके लिए इतना ही दर्द है तो। पंडित जी, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना पूजा के लिए फरिश्ते कम न थे भगवान को। कालू, जीवा के निकलने का इतना ज्यादा दुख न कर, वरना तुझे भी उसी रास्ते गांव से निकलना पड़ेगा। गांव छोड़ने की धमकी क्या देते हो पंडित जी? हम क्या और तुम क्या? एक दिन तो हम सबको ये संसार छोड़कर ही जाना पड़ेगा। मरने का श्राप देता है मुझे पंडित जी। जीवन के साथ इतना प्रेम न करो, वरना मरते समय बहुत दुख होगा। नमस्ते। कालू, अब मैं तुझे जीते जी मार दूंगा। मुनीम जी, खजाने का क्या हाल है आजकल? सरकार, खजाने की हालत बहुत नाजुक है। फसलें खराब हो गई, अब तो खजाने में ताला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा कौन सा काम किया जाए कि खजाने में फिर से ताला लगने लगे? ग्राम सुधार का प्रोग्राम और चंदे की वसूली। व्हाट नॉनसेंस मुनीम जी, भूखे गांव में चंदा कौन देगा? लानत भेजिए गांव पर सरकार, आपके लिए तो एक ही आदमी काफी है। कौन सा आदमी? बड़े सरकार के करीबी दोस्त ठाकुर हरनाम सिंह, जो आपके चाचा भी लगते हैं। वंडरफुल मुनीम जी। भंवर सिंह, हुक्म मालिक। अंकल हरनाम सिंह से चंदे की वसूली कर लो। जो हुक्म मालिक का। तुम लोग खबरदार, जो हिलने की कोशिश की, तिजोरी की चाबी कहाँ है? हाँ ठाकुर साहब, देर करने की कोशिश की तो तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। ये लो चाबी। साहब, पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो गोली से उड़ा दिया जाएगा। छोटे सरकार अपने कुत्तों से ये काम भी करवाने लगे? जाओ अपने मालिक से कह दो कि जीवा उनके लिए तैयार हो गया है। जिंदगी की सारी पूंजी चली गई,
धन दौलत तो आती जाती चीज है, भगवान ने आपकी जान बचा ली यही उसकी दया है। इस डाकू के रूप में? हाँ ठाकुर साहब, जिस जीवा पर गौहत्या का झूठा इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया गया, जिसकी जमीन उससे छीन ली गई, जिसका घर जला दिया गया, जिसकी मां ने बेबसी में अपना दम तोड़ दिया, ठाकुर साहब बस यूं समझिए कि गंगा मैया में बाढ़ आ गई और जीवा ने उन बदमाशों का सर कुचलने के लिए ये रूप धारण कर लिया। ये लीजिए आपकी लक्ष्मी। जीवा, तू महान है, तेरे लिए मेरे घर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। ठाकुर साहब, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो जीवा डाकू बन गया? हाँ सरकार। मैं तो कहूँ सरकार, डाकू तो उसी दिन बन गया था जिस दिन हरामखोर ने मेरे खाते फाड़े थे। लेकिन उसे हरनाम सिंह के माल का पता कैसे चला? बड़ी मोटी सी बात है सरकार, गांव में उसका गुरु कालू चमार जो है, एक एक घर की खबर उसे पहुंचाता है। एक राहु है तो दूसरा केतु। सरकार, अभी तो केवल उसने जीवा को ही डाकू बनाया है। यदि कुछ दिनों में उसने सारे गांव को डाकू ना बना दिया तो मेरा नाम पंडित काशीनाथ। कालू 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 भव सिंह, इस कालू के बच्चे को उसके गुर्गो समेत इस गाँव से बाहर निकाल दो और उनके घरों में आग लगा दो। सब क्या है, हमने कौन सा पाप किया है? छोटे सरकार का हुक्म है कि तुम अपनी सेना लेकर गांव से निकल जाओ, वरना सब के सब गोली से उड़ा दिए जाओगे। ये जुल्म है, अन्याय है। अन्याय के बच्चे, खामोश, फेंक दो सबका सामान। हमारा सामान मत फेंकवाइए, हमारे घरों को आग मत लगवाइए, हम आपकी जमीन खाली कर देंगे। अरे खाली तो तुम्हारा बाप भी करेगा। ये क्या कह रहे हो कालू भैया, हमारे पुरखों ने इसी गाँव में जन्म लिया और यही मर गए, हम किधर जाएंगे? रामू भैया, भगवान की धरती बहुत बड़ी है और इंसान के कदम बहुत छोटे। लगता है आग का खेल तुम्हारी आदत बनता जा रहा है, लेकिन याद रखो आग अपने पुजारी को भी नहीं छोड़ती। जय श्री जसवंत सिंह, खुद आग है और आग को आग से कोई खौफ नहीं होता। लेकिन भैया ये मत भूलो, पेट की आग बहुत दूर से ऊंचे ऊंचे महलों को जलाकर राख का ढेर कर देती है। बेवकूफ, तुम महलों की नहीं तो उसके झोपड़ों की बातें कर रही हो। पत्थर की दीवारों में रहने वालों को ना आग का खौफ होता है ना तूफान का डर। मालूम होता है पत्थर के महलों में रहते रहते तुम्हारा दिल भी पत्थर का हो गया है। हमारे कान औरतों की नसीहत सुनने के आदि नहीं, औरतों का काम है घरदारी करना, पूजा पाठ करना। इसलिए माँ को तुमने काशी भेज दिया ताकि उनकी आवाज मंदिर के घंटों में खो जाए, और आज उन्हीं की आवाज मेरी जबान से सुनकर घबरा गए। शट अप भैया, तुम इस आवाज को काशी नहीं भेज सकते। ये मत भूलो मैं भी तुम्हारी तरह इस जायदाद में बराबर की हकदार हूँ। आज से हम लोग इसी धरती पर रहेंगे, ये बंजर जमीन पर जहाँ छत भावे का एक पेड़ नहीं है, हम यहाँ क्या करेंगे? भाइयों, धरती हमारी माँ है और कोई भी माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। मुझे भगवान के लिए बता मेरी बेटी कहाँ है? अबे मैं क्या जानूं? तुम्हें सब कुछ मालूम है भैया, तुम्हें तुम्हारी बेटी की कसम मैं बताऊं। चंपा तू कहाँ है बेटी? छोटे सरकार, बापू ने मुझे बुलाया था, कहाँ है वो?
अरे बापू से तो तू रोजाना ही बात करती है, आज कुछ बात हमसे भी कर ले। ये कैसी बात है? ये दवा है छोकरी, इसे पीने से बदन का टूटना बंद हो जाता है। ले तू भी पी। नहीं नहीं छोटे सरकार, मेरा बदन तो टूटता नहीं, मेरा बदन तो एकदम मजबूत है। छोड़ दीजिए छोटे सरकार, छोड़ दीजिए, छोड़िए ना, छोड़िए छोटे सरकार। बापू, बापू तुम मुझे बुलाकर कहाँ चले गए थे? बेटे तू घर जा, घर जा। मुनीम जी अच्छा हुआ आप आ गए, आपने हमारे खानदान की इस वफादारी से खिदमत की है, क्या अब आप हमारे लिए गैर नहीं? हमने आपकी लड़की को आज नजर भर देखा, कल उसे आप यहां भेज दीजिए। मुनीम जी कल सूरज डूबते ही इस महल में चांद निकलना चाहिए। तुम्हारी भी एक बेटी है, यही तुम्हारे साथ हो जाता तो? केशवराम मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे केशवराम, मैं ही वो नीच और पापी हूँ जिसने तुम्हारी बेटी की जान ली है। मैं भूल गया था कि मेरी भी एक जवान बेटी है, जब मुझ पे बिजली गिरी तो मेरी आंखें खुल गई। केशवराम एक बार कह दे कि तूने इस नीच को माफ दिया, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। केशवराम तू बोलता क्यों नहीं, केशवराम तू बोलता क्यों नहीं, केशवराम केशवराम माफी मांगने में मुझसे बहुत देर हो गई। ये जेवर मुझे वापस कर दो, वरना मेरी लड़की की बारात वापस लौट जाएगी। बाप रे, जीवा, जय गंगा मैया। अरे दम्बू काहे को चलाई? इस गोली ने गांव वालों को सलामी दी है लाला, अब ये दूसरी गोली तुझे सलामी देगी। बेटा ये तू कैसी बातें कर रहा है, इसे जरा परे रख, तू भूल गया क्या गांव के नाते मैं तेरा चाचा हूँ। चाचा? भतीजे को आज ही पहचाना तुमने? ये ले चाची, आज के बाद इस गांव से कोई बारात वापस नहीं जाएगी। बेटी आज तू एक देवता के रूप में आया है, मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अरे हाँ चाची तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, पहले नहीं था लेकिन अब तो ये खरा देवता है देवता। हाँ लाला, भगवान ने हर शैतान के लिए एक देवता बनाया है और तेरे लिए तू बहुत थक जाएगा ना, मैं तेरा जूता दो। हाथ मत लगा लाला, पैर की जूती पैर में ही रहने दे, याद है? अरे नहीं नहीं बेटा, उस दिन तो गुस्से में आकर मैंने ना जाने क्या क्या बकतिया था। अरे राम राम, इस सर पर पट्टी कैसी, जख्म कहीं बहुत गहरा तो नहीं है? मैं जाके डॉक्टर को बुलाता हूँ, घाव को ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। जाता कहाँ है लाला, तुम लोगों का दिया हुआ ये घाव ऊपर से तो भर चुका है लेकिन इसमें मेरी माँ के खून का रंग आज भी ताजा है, और सुन, जब तक मेरी सौगंध पूरी नहीं होती ये पट्टी मेरी माँ की आत्मा की तरह मेरे माथे से लिपटी रहेगी। अरे बेटा तू तो बेकार में बिगड़ रहा है, मैं तेरी माँ का टीका अभी लौटा देता हूँ। आज लक्ष्मी के दर्शन हम खुद करेंगे लाला। लाला तेरी
तिजोरी में न जाने कितने सुहाग दम तोड़ चुके हैं, न जाने कितने सुहागनों की मेहंदी का रंग तूने अपने प्यास से धो दिया। और जब कुछ भी न बचा तो मैंने अपने सुहाग का टीका भी अपने कलेजे पर पत्थर रख के उसी के पास 500 नंगे भी रख दिया। और न जाने कितनी मां की ममताओं को लूट कर तूने इस तिजोरी में बंद कर दिया। मथुरा भेजू, ये सारा माल गांव वालों में बांट दो। माय डियर लाला, अब इन जंजीरों से आजाद होकर तू जलेबी खाकर सो जा। राम रतन ललवा, एक जोड़ी झुमके ये ले। भगवान तेरी। रहीमन भी एक अदद हथवी ये लो। दो अदद करे। अब आखिरी लॉटरी ये दो थालियां। गणपत मंडल, शिवा भैया को प्रणाम कर। प्रणाम शिवा भैया। शिवा भैया की जय। शिवा भैया की जय। सबका तो कल्याण कर दिया, अब जरा मेरा भी ध्यान करो, नहीं तो ये मथुरा दास जिंदगी भर कमारा रह जाएगा। तारा 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 तारा। मत, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। क्या तारा को लेके अभी लाया? सुना चाचा। बोलो जवाब भैया। आप खरे ब्राह्मण है, तारामती का लगन अभी हो जाना चाहिए ताबड़ तोड़। नहीं नहीं जीवा भैया, ये शादी रोक दो, भला एक नौकर मालिक के बेटे की शादी हो सकती है? जन्म से कोई नौकर नहीं होता लाला, और फिर थोड़ी देर में तो ये तेरा जमाई बनने वाला है। ओम न्याय जल्दी चले रारा बदल न जाए। इस नेक काम के साथ साथ एक नेक काम और हो जाए, ये पाप के बहखाते इस पवित्र अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। हाँ तो लाला अब बोल, तेरी गाय को किसने मारा था? गाय को? ओ अब बोल, नहीं तो तेरा भेजा छलनी कर दूंगा। भगवान कसम मैंने कुछ नहीं किया था, वो तो पंडित काशीनाथ। काशीनाथ